पता नहीं कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुमसे मिलना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। दूरियां 5 दिसंबर से 3 से जुमा शब 9 बजे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे आज इस खुशी में शामिल हुए। नाजी भाई, और इस खुशी के मौके पर हम अपनी एक और खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हम अपने बेटे शबरेस और अलैना की इसी महीने शादी कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान। थैंक यू सो मच आंटी। मामा जी। बेटा प्लीज। एक्सक्यूज मी एवरीवन, अभी जो कुछ मामा ने कहा है ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है, मैं अलैना से शादी नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी, मैं शादी उसी से करूंगा। Shabrez, come down. ये सबके सामने क्या तमाशा किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मतलब अपने फैसले हम तुमसे पूछ के करेंगे। मेरी जिंदगी का फैसला है, आप मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी मर्जी के बगैर? हमेशा से तुम्हें पता था कि अलैना को मैं अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। यही तो कह रहा हूँ, आपका फैसला था, वो मेरा नहीं। तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे। मजबूरी है मेरी। क्या कमी है अलैना में? उसका स्टेटस, उसकी क्लास, सभी तो हमें सूट करता है। मम्मा, मुझे आपकी क्लास की मटेरियलिस्टिक लड़की से शादी नहीं करनी है, जिसकी सोच ब्रांडेड शूज से लेके ब्रांडेड पर्स पे खत्म हो जाए। तो तुम बताओ कि इस घर की बहू कैसी होनी चाहिए? महर के जैसी। कौन है ये महर? कहाँ रहती है, क्या करती है, किस क्लास से है, ये सब भी देखा है या फिर बस आशिकी का भूत सवार है तुम्हारे सर पर? मेरे लिए उसकी क्लास मैटर नहीं करती, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, उसके अब्बू की वर्कशॉप है। No, no, no. You have to be kidding me. इस घर की बहू एक वर्कशॉप वाले की बेटी बनेगी? अच्छा, तुम भूल गए हो तुम किसके बेटे? भूला तो नहीं हो, लेकिन याद भी नहीं रखना चाहता। मेरे लिए मैटर नहीं करता वो गरीब है, किस क्लास की है, उसके वाले सब क्या काम करते हैं। मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ ये कि मैं मोहब्बत करता हूँ महर से और मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने महर से कह दिया आप लोग कल मेरा रिश्ता लेके उसके घर जा रहे हैं। भूल है तुम्हारी कि हम तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। फिर आप भी किसी गलतफहमी में ना रहिएगा कि मैं आपकी मर्जी की लड़की से शादी कर लूंगा। बचपन से आज तक आप लोगों ने मेरी किसी ख्वाहिश की परवाह ही नहीं की, लेकिन अब नहीं, इस बार मेरी जिंदगी मेरी खुशी दोनों महर से जुड़ा है और मैं अपनी खुशी किसी को छीनने नहीं दूंगा। शबरेस, अलैना बेटा मेरी बात तो सुनो, रुको मेरी बात सुनो। अलैना मेरी जान, मेरी बात सुनो। इस वक्त इसे अकेला छोड़ दे। जस्ट लीव हर अलोन। ये सब क्या था मॉम? वो
वही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। ये सब यूं ही होना तय था, सिर्फ शादी की अनाउंसमेंट रह गई थी। आंटी ने शबरेज से बात की थी? आई डोंट थिंक सो। वो अलेना और शबरेज को सरप्राइज देना चाहती थी। और शबरेज ने आप लोगों को सरप्राइज दे दिया। सब जानते हैं शबरेज किस टाइप का बंदा है। आप लोगों को कोई बात करने से पहले प्लीज उसे इन्वॉल्व तो करना चाहिए था। एंगेजमेंट इज अ बिग कमिटमेंट। काशान, अलेना और शबरेज की शादी हम एक तरह से तय कर चुके थे, सिर्फ डेट अनाउंस होना बाकी रह गई थी। अगर ऐसा था तो शबरेज किस लड़की का जिक्र कर रहा था? यही बात तो मुझे माजबीन से पूछनी है। और अगर ऐसा कुछ था तो उसने मेरी बेटी का तमाशा क्यों बनाया? यकीन नहीं आ रहा कि शबरेज ऐसा भी कर सकता, और वो भी सबके सामने। तुम शौक में ही रहो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि शबरेज के बारे में मेरी जो राय थी वो उस पर पूरा उतरा। क्या मतलब? मतलब ये कि हलेना को देवरानी के रूप में देखने के ख्याल से ही मुझे कोफ्त होती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि शबरेज से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी थी। लुक एट शबरेज, कितना अच्छा है वो। हलेना उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। मैं खुश हूं जैन कि उसने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन मामा को यह बात कभी भी पसंद नहीं आएगी कि उसने उनकी चॉइस को इग्नोर करके अपनी पसंद का इंतखाब किया। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता। हाँ, तुम मुझसे बेहतर जानते हो शबरेज को। तुम्हें पता है कि वो जिद पे अड़ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता। इसी बात का तो डर है मुझे, अगर ऐसे ही हुआ तो इस घर के हालात बिगड़ ना जाए। शबरीज की जिंदगी बिगड़ जाए, इससे बेहतर है कि घर के हालात बिगड़ जाए। माजबीन, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ और तुम अपना फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? आखिर तुमने हमसे किस बात का बदला लिया है? सहबा, बदला और तुमसे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल रात जो कुछ हुआ वो सब क्या था? अगर तुमने हमारी इंसल्ट करने का इरादा कर रखा था तो हमें पहले से बता देती। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में शबरेज से हमारी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? ये क्या कह रही हो तुम? मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर वो सब क्या था? ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, शबरेज किसी लड़की को पसंद कर लेता है, उसे शादी का प्लान बना लेता है और इतने सारे लोगों के सामने अनाउंस कर देता है और तुम अनजान बन रही हो। सहबा, तुम मुझसे बदगुमा हो रही हो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। इनफैक्ट मुझे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता था। तुम उसका नाम नहीं जानती, लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर अब तुम उस लड़की का रिश्ता तो लेने जाओगी ना? बरसों की दोस्ती के बाद तुम मुझे बस इतना ही जानती हो? तुम्हें लगता है कि अपने बेटे का रिश्ता लेकर मैं किसी और लड़की के घर जाऊंगी? ये सवाल तो तुम अपने आप से पूछो। हमें तो तुमने तमाशा बना दिया। तुम जानती हो लेना कितनी हर्ट हुई है? कल रात से अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रोए जा रही है। मत भूलो कि तुमने ही उसको अपनी बहू बनाने के ख्वाब दिखाए थे। मैं किसी बात से पीछे नहीं हट रही, और ना ही मेरा इरादा इतना कमजोर है। मैंने कह दिया ना कि अलेना मेरी बहू बनेगी तो अलेना ही मेरी बहू बनेगी, बस। आई डोंट बिलीव यू माजवीन। यही हकीकत है सहबा। अजर और मैंने शबरेज को बता दिया है कि इस घर की बहू सिर्फ अलेना बनेगी, बस। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगा? मानना पड़ेगा उसे। अगर वो ना माना तो? तुम लोगों की इस खेल में नुकसान तो मेरी बेटी का ही हुआ ना। उसका दिल टूट गया। तुम अलेना की फिक्र मत करो, मैं उससे खुद बात करती हूँ। सहबा, ये घर मेरा है और यहाँ मर्जी भी मेरी चलती है। देखते हैं तुम्हारी कितनी मर्जी चलती है। तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ बात। अम्मी। बोलो बेटा। चाय बनाइए, मुझे कहती थी मैं बना देती। अब तो बन गई। आपका मूड कैसा है? मेरा मूड ठीक है, तुम बताओ, कुछ चाहिए?
कुछ कहना चाह रही हो? अम्मी वो मैं समरीन जी। हाँ भाई, चाय बनी कि नहीं? जी जी बिल्कुल बन गई, आप बैठे मैं ला रही हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। क्या सोच रहे हैं? कुछ खास नहीं, वैसे ही। शादी की बहुत जल्दी है उन लोगों को, आपका क्या इरादा है? यही सोच रहा था। ये तो हमारे हक में भी बहुत बेहतर है। देखो, हम भी तो चाह रहे हैं ना कि मेहर की शादी जल्दी हो जाए ताकि जारा के लिए रास्ता खुल सके। जी जाहिर देखने में तो रिश्ते में कोई कमी नहीं लगती। फाद अच्छा लड़का है और उसके वालदेन भी खासे सुलझे हुए हैं। ऐसा करते हैं, अपनी तसल्ली कर लेते हैं एक दफा चल के, बाद में शादी की तारीख दे देंगे उन्हें। जैसे आप मुनासिब समझे, मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा। हमेशा से तुम्हें पता था कि अलेना को मैं अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओगे? हाँ मेहर। तुमने अपनी फैमिली से बात की है? हाँ कर ली है। तो क्या वो लोग मान गए हैं? मान गए, उनके पास और कोई रास्ता जो नहीं था। इसका मतलब कि कल वो लोग आ रहे हैं? हाँ आएंगे। शिप्रेस, मुझे डर लग रहा है। अभी से डर रही हो? अभी से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। शिप्रेस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अम्मी से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें तुम्हारे घर वालों के आने का। बताना तो पड़ेगा ना। बहुत कोशिश की है, इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और वो अम्मी और बाबा जाना बस फाहद के रिश्ते के लिए हाँ करने का सोच रहे हैं। शादी की डेट फिक्स करने की बात कर रहे थे। और तुमने कुछ नहीं बोला? शफरेज, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लगता है मुझसे नहीं होगा। लिसन मेहर, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, उसे सख्ती से निपटूंगा, चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। चाय पियोगी? नहीं, मूड नहीं है। शबरीस की वजह से अपसेट? क्या नहीं होना चाहिए? Well, उसने जो कुछ किया उसके बाद तो बनता है, लेकिन मुझे हैरत तुम्हारे रिएक्शन पे है। क्या मतलब? देखो, मामा और आंटी की दोस्ती बहुत पुरानी, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। तुमने और मैंने शबरीस के साथ बहुत वक्त गुजारा है। अगर मैं आंटी और मामा की प्रेफरेंसेस को थोड़ा साइड पे कर भी दूं, तो एक सवाल मुझे बहुत तंग कर रहा है। कैसा सवाल? शबरीस को इतनी अच्छी तरह जानने के बावजूद तुम उसे कैसे लाइफ पार्टनर के लिए सोच सकती हो? इस क्लियरली नॉट योर टाइप, वो बहुत अलग है। एक बार मेरी शबरीस से शादी हो जाए, मैं उसे अपनी तरह बना लूंगी।
यहाँ तुम गलती कर रही हो लेना। जितना मैं शबरीत को जानता हूँ वो कभी किसी के लिए नहीं बदलेगा। तो ना बदले, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा है वैसा रहे। लेकिन वो तो किसी और से शादी का कह रहा था। तो कहने दो, लेकिन शादी उसे मुझसे ही करनी पड़ेगी, देखना। तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना आज? नहीं, आंखें नहीं खुली आज मेरी। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता कर लो तुम, फिर मेरे साथ मार्केट चलो, ग्रोसरी खत्म हो रही है, साथ जाके ले आते हैं। जी ठीक है। अम्मी। वो, हाँ बोलो। एक सेकेंड, जिम से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फ्री हूँ अभी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ओके, लाफेस। क्या हुआ? जिम से कॉल थी, क्लास के लिए बुला रहे हैं। पर तुम्हारी टाइमिंग तो शाम की है ना? हाँ, वो पता नहीं मॉर्निंग इंस्ट्रक्टर की कोई इमरजेंसी हो गई है इसलिए बुला रहे हैं। खैर एक ही क्लास है, मैं जल्दी से जाकर लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है तुम जाओ। ठीक है। सुनो, तुम कुछ कह रही थी। नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं बैग उठा लूं। गुड, वेरी गुड, 5 more minutes। हेलो, कहाँ हूँ महर? जिम में। तुम जिम में क्या कर रही हो यार, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए ना। तुम्हें पता है शाम में मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी तरफ आना है, तुम जिम में क्यों हो अभी तक? हाँ वो बस जाने वाली हूँ घर। अच्छा मामा से बात की तुमने अपनी? नहीं घर जाके करती हूँ। मैं अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं बात कर लेता हूँ अंकल आंटी से, तुम देर क्यों कर रही हो यार? कहा ना शबरीश, घर जाके करती हूँ, क्लास बस खत्म ही होने वाली। क्लास खत्म होने वाली नहीं, बस खत्म होगी, प्लीज जाओ, फौरन जाओ। अच्छा ठीक है, बाय। Thank you. Pleasure all mine. You're welcome. कैंसिल कर दी यार। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है तो आए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इट बी माय प्लेजर। नो थैंक यू, आई विल मैनेज। श्योर, एज यू विश।
जारा जल्दी आओ भाई, बहुत देर करती हो तुम। आ गई। कहीं जा रहे हो आप? हाँ वो तुम्हें बताया था ना कि ग्रोसरी के लिए जाना है, तो तुम तो थकी हुई हो तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ। गेट सही से बंद कर लेना ठीक है बेटी। आज ना जाएं प्लीज। क्यों बेटे, सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। आप इधर आए, आप यहाँ पे बैठे। आज ना जाए ना, कल चले जाएंगे प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं जाती, लेकिन पता तो चले कि आज क्यों नहीं जा सकती। वो ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है जो हमें रोक रही हो जाने से? हाँ बोलो, क्यों रोक रही हो? बोलो भाई। शबरेज अपनी फैमिली को ला रहा है हमारे घर आज शाम। कौन शबरेज? वो शहर के मशहूर बिल्डर अजहर करीम का बेटा है और मेरा यूनिवर्सिटी फेलो। और हमारे घर वो लोग क्यों आ रहे? शबरेज के लिए मेरा रिश्ता मांगने के लिए। रिश्ता? तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा फहद के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने वाले? बताया है अम्मी, मैंने बताया, लेकिन वो फिर भी आना चाह रहे हैं। अजहर करीम जैसे अमीर लोग भला तुम्हारा रिश्ता लेके हमारे घर क्यों आने लगे? हाँ जवाब दो जारा की बात का। जब तुमने उन्हें बताया है कि तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला है तो क्यों आ रहे हैं वो लोग? वैसे भी ऐसे लोग तो अपने स्टेटस के लोगों में ही रिश्ता तय करते हैं। शबरेज मुझसे मोहब्बत करता है। और तुम भी हैं? वाह क्या बात है, आप लोग मुझ पर और उस्मान पर पाबंदियां लगाते रहे और ये यहाँ आपकी नाक के नीचे से यूनिवर्सिटी जाने के बहाने आशिकी करती रही है। पढ़ाई करना तो सिर्फ एक बहाना था, पढ़ाई की आड़ में अफेयर चल रहे थे। देखा कैसे बेवकूफ बनाया आपकी मासूम बेटी ने आपको। चुप करो जारा, तुम मैं बात कर रही हूँ ना इससे। अरे अम्मी आप क्या बात करेंगी, मुझे तो उस वक्त से डर लग रहा है जब वो हमें यहाँ के बेइज्जत करेंगे। रिश्ता विश्ता खाक डालना है उन्होंने। शबरेज अपनी बात से पीछे नहीं हटता अम्मी। कौन सी फिल्म देख के आई हो जो मोहब्बत का सहर तुम्हारे सर से नहीं उतर रहा? तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? चुप नहीं रह सकती तुम? एक मिनट जारा, तुम्हारे बाबा फहद के घर वालों को तुम्हारे लिए हाँ करने वाले, और तुम ये चाहती हो कि जिसे तुमने घर का रास्ता दिखाया है हम तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दें? ऐसा कैसे कर सकती हो मैं? क्या सोचेंगे तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में? तुमने उनका मान उनका भरोसा सब तोड़ दिया, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? बोलो। समरीन, आने दो इस लड़के के घर वालों को। लेकिन फहद, हमें भी तो इसकी शादी करके घर से रुखसत ही करना है ना, क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी कर दें। जाए, चली जाए मेरे घर से, कर ले अपनी मर्जी। अगर ऐसा कुछ था भी तो हमें एतमाद में लेना चाहिए था तुम्हें। अपने बाबा के एतबार को बहुत ठेस पहुंचाई है तुमने मेहर।
तो ये थी वो बिल्ली जो थैले से बाहर आ गई। ज्यादा मत सोचें, आप थके हुए आए हैं, थोड़ा आराम कर लें। पापा जान, मैं जानती हूं कि मुझसे नाराज है, और बनता भी है आपका नाराज होना। मैंने एतमाद को ठेस चाहिए। सब कुछ तो कर चुके, कहने सुनने को रह क्या हुआ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी बाबा जान, अब सिर्फ सिर्फ एक बार शबरीश से मिल लें, उसे देख लें, फिर आपका जो भी फैसला होगा ना मुझे मंजूर होगा। फैसला तो तुमने पहले ही कर लिया है, बस हमें ही अंधेरे में रखा। मैं बताना चाहती थी अम्मी, मैंने बहुत बार कोशिश भी की, हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी हिम्मत की तो उसी वक्त दाद देनी चाहिए थी जिस दिन तुमने उस लड़के के लिए हमसे पहला झूठ बोला होगा। मैं ही पागल था, अपनी बेटी के झूठ को समझ ही नहीं सका। ऐसा ना करें बाबा जान। मेरा गुरूर थी तुम, मान थी तुम मेरा, मुझे धोखा देती रही। चली जाओ यहां से। मुझे सफाई का मौका तो दे बाबा जान, प्लीज। बोलोगे तो मुझे बुला लेना, कोशिश करूंगा कि इसकी मर्जी के मुताबिक जल्द से जल्द इसे इस घर से रुखसत कर दूं। चले कहाँ? हमने मेहर के घर जाना ना। आप लोग ऐसे बैठे क्यों? चले ना, हम लेट हो रहे हैं। ना तो हम लेट हो रहे हैं और ना ही हमारा कहीं जाने का प्लान है। मेरी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ बैठो और ये पेपर साइन कर लो। किस चीज के पेपर चाहिए? हमारे नाम कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं, पढ़ के साइन करता हूं। लेकिन आप दोनों ने मेरे साथ वहां जाने का कहा था। आप दोनों मेरे साथ जा रहे हैं या मैं भाई और भाभी के साथ चला जाऊं? बिना मेरी इजाजत के इस घर से कोई भी उस लड़की के घर नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। मामा प्लीज, मैं वहां कह चुका हूं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आप लोग चले ना प्लीज। इंतजार करने दो, पैसे वाले लड़के को फांसने वाली लड़कियों को इंतजार ही सूट करता है। वैसे तुम देख लो किस लेवल की फैमिली है उन लोगों की, जो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो उनके लिए एक बड़े घर का दामाद फांस कर लाए। आप मेहर की इंसल्ट कर रही हैं। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ना करो। फजूल बहस खत्म करो,
and just sign the goddamn file. Yes, I am. I know bloody well you are. मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी तो सिर्फ पेपर्स फाड़े मैंने। अगर आप लोग मेरे साथ वहां नहीं गए तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। तुम उल्टे भी लटक जाओगे ना तब भी हम छोटे लोगों के घर नहीं जाएंगे। Never! जाना तो आपको पड़ेगा। जाना पड़ेगा। पैसे वाले लड़के को फांसने वाली लड़कियों को इंतजार ही सूट करता है। किस लेवल की फैमिली है उन लोगों की जो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो उनके लिए एक बड़े घर का दामाद फांस कर लाए। तुम उल्टे भी लटक जाओगे ना तब भी हम छोटे लोगों के घर नहीं जाएंगे। Never! ये लो, रिफ्रेशमेंट की कुछ चीजें हैं, चाय के साथ रख देना। ठीक। वो लोग आए तो चाय बना लेना। ठीक है। उनसे फोन करके पूछ लो वक्त पर आएंगे या लेट हैं। हाँ भाई, पूछ लो समीर जादे से कॉल करके कब आ रहे हैं वो लोग। बाबा को किसी मैयत के पुरसे के लिए भी जाना है। हालांकि जनाजा तो आज उनके भरोसे का निकला है। मामा प्लीज रुके, मेरी बात तो सुने। आप जानती हैं कि वो जज्बाती है, जिद्दी है, लेकिन इस मर्तबा उसकी जिद पूरी नहीं की जाएगी। हम आप एक बार जाके उस लड़की को देख तो नहीं, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए। पहले ही तुम्हारी पसंद की बहू इस घर में लाकर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। अब क्या चाहते हो, उस फकीरनी को घर लाकर अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल ही गिरा दूं मैं? अब दूसरों की लड़ाइयों में मुझे निशाना ना बनाए। क्यों ना बनाऊं? अगर इसने तुमसे शादी ना की होती ना तो इसके लिए भी मैं एलेना जैसी बहू लेकर आती। उस लड़की के तो मैं साये से भी दूर रहना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा किया जो शबरीज ने उससे शादी से इनकार कर दिया। प्लीज तुम तो चुप कर जाओ। बोलने दो इसे, बोलने दो। इसके पास जबान के अलावा और है ही क्या? जितनी बातें सुनती हूँ ना मैं इस घर में, अगर जवाब देने पे आऊँ ना तो रोज झगड़े होंगे इस घर में, फिर भी इल्जाम मेरे सर ही है। यार क्या हो जाता है आप लोगों को? हम कोई और मसला डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग अपनी लड़ाई लेकर बैठ गए। समझाओ इसे।
हमा मुझे समझाएगी सेन तुम प्लीज यार प्लीज काम डाउन यू वर डिस्कसिंग समथिंग एल्स और कहाँ हैं वो लोग अब तो बहुत वक्त हो गया अब अम्मी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई होगी मैं भी पूछती हूँ रहने दो कब से तो कॉल्स और मैसेजेस किए जा रही हो एक का भी जवाब नहीं दिया तुम्हारे उस शबरेज ने जिसे रिप्लाई करना होता है ना वो कर देता है वो लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे अम्मी शबरेज ने मुझसे खुद कहा था कि आज वो अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ऐसे लड़के सीरियस कब होते हैं किसी के साथ नहीं अम्मी शबरेज ऐसा नहीं है कैसा है वो तो मैं पिछले 2 घंटे से देख रही हूँ मुझे लगता है कि कोई इमरजेंसी हो गई होगी तभी इतनी देर कर दी वरना अभी तक तो आ चुके होते तुम बहुत भोली हो मेहर तुम्हें लगता है तुम सिंड्रेला हो कोई शहजादा तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा होश में आ जाओ उल्लू बना के खेल गया है वो तुम्हारे साथ ना वो आएगा ना उसके घर वाले हो